اللهم जिंदा सलामत रहो, खुश नसीब हो इंसान जिसनु मालिक ने अली जैसा करीम इमाम अता फरमाया। भाई दा हुक्म होया, वादा वफा हो गया, तुहाडे चेहरियां दी ज़ियारत हो गई। हर मजलिस चादराना अल्लाह दी वसी तर कायनात विच दो ही हस्तियां ऐसियां जिन्हां दा चेहरा वेखना सवाब है। करो सवाल, कौन पहले हिन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, दूसरे कौन, दूसरे हिन शियान अली इब्ने अबी तालिब। बहुत शुक्रिया मालिक, ज़िंदगी दराज फरमावे। बारगाह इमाम सादिक अलैहि सलातो वसलाम विच एक शख्स आया, उसने मासूम दे कदमां ते हथ लाए, कदमां दा बोसा लिया, हथ जोड़ के बादशाह परेशान आ, सरकार अके क्यों परेशान है? उसे कहा बादशाह, हाँ तुहाडे मन्नण आला, हाँ अली उन वली उल्ला पढ़न आला, हाँ तुहाडी विलायत दा इकरार करन आला बादशाह, लेकिन जिंदगी च गुनाह इतने कर बैठा, बख्शिश दा कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। मेरा सरदार मुस्करा के इस तो वड्डा दरवाज़ा तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मालिक, जिंदगी दराज फरमावे। मोमन दे चेहरे दी, अली उन वली उल्ला पढ़न आले दे चेहरे दी, शिया दे चेहरे दी ज़ियारत दा मासूम दी निगाह च अजर कितना है दसना चाहना। मासूम ने फरमाया, परेशान ना हो, इस दरवाजे चो बाहर निकल जा, गली दे पैसे वाले मोड़ च कोई ऐसा बंदा तलाश कर जिहदे दिल च मुहब्बत अली इब्ने अबी तालिब होवे। सच्चियां दे घराने दा सच्चा फरमा रहा है, उस दे चेहरे आले पासे वेख के एक वारी मुस्कुरा तूं दे जन्नत जाने दौरे हाजर दा मुहम्मद। मालिक जिंदगी दराज फरमावे। जेड़े तशरीफ ले आयो या जेड़े किसी मजबूरी की वजह तो नहीं आ सके, मालिक किसी कमीने का मोहताज न करे। मालिक बस्ती ये नगरी ये शहर वसदा रहे जिथे रसूल दे पुत्रां दा जिक्र होंदा है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम तो लेके जनाब रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम तक, जनाब रिसालत माब तो लेके सरकार मादी आखर जमान तक, इस ज़मीन ते इंसान दी हदायत वस्ते और भाई जान अपनी पहचान वस्ते कुछ चराग रोशन फरमाए, कुछ हस्तियां नाजिल फरमाया, कुछ हस्तियां इस्तराब इस ज़मीन दी जीनत बनाया। अगर इज़्ज़त मुहम्मद मुस्तफ़ा दा पहला जुमला मैं तुहाडे हवाले करके तुहाडे दिल चो दुआ लवां, मैं तो इंजा दराना हज़रत आदम अलैहि सलाम तो लैके जनाब रिसालत माब तक और जनाब रिसालत माब तो लैके सरकार मादी आखर जमान तक, हर दौर च, हर असर च, हर जमाने च, हर साथ च, हर घड़ी च, हर घंटे च, हर मिनट च, हर सैकेंड च, अजल तो लैके अब तक भाई जान जिस चिराग की रोशनी सब नालों ज़्यादा रही है उसनु कायनात च मुहम्मद मुस्तफ़ा आख्या। बहुत शुक्र गुजार मालिक, जिंदगी दराज फरमावे। साढ़े तक इतराज़ होंगे साड़िया मजलसें तज़करा मुस्तफ़ा नहीं होंगे। भाई गुलजार जी, मैं पढ़ना ही फकत मुस्तफ़ा चाहना। मैंने कि बंदे आख्या तुसे शिया भी कमाल कर दे, मैं क्या जी शिया होंगे ही हो जड़ा कमाल करे। बहुत शुक्रिया जी, मैं क्या जी शिया आदि ही उन्हें जड़ा कमाल करे, तो कि कमाल का मसला है? उसे क्या तुम अक्सर सुनी दे ये उलमा जाकरीन खुतबा ए अली बादशाह वधेंदे 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 बाजोकात मुस्तफा नालों भी वधा दें देन। मैं क्या कमलियाँ गल्ला ना कर, असा तो अली मने ही उसनों है जड़ा मुहम्मद मुस्तफा की जुत्ती चुमना सवाब समझे। बहुत शुक्र गुजार जी, बड़ी मेहरबानी जी, या अली अलैहिस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे सामने तुसा हज़ारों की तादाद तशरीफ फरमा, दर्जात बुलंद मैंने उस्ताद मोहतरम दे फरमेंदे रहिंदे ने, मजमा शाला कम होवे कम ज़र्फ ना होवे। अल्लाह ज़र्फ अदार और अकीदे अला सैयदा, मैं फरमान अपनी अखा नाल पढ़िया, सादिक आले मोहम्मद फरमेंदे जिथे मेरे दादे हुसैन इब्ने अली दी मजलिस होवे, 1,24,000 अंबिया समेत असा 14 का आवना मजबूरी है, जिदा 14 और 1,24,000 अंबिया ना रूह राजी नहीं होंदा, अल्लाह जाने उहदा बंदियां नाल रूह राजी किवें हो जाता है। बहुत शुक्रिया मेरे वास्ते, तुम हज़ारों की तादाद, मैं तुम हज़ारों की तादाद समझ के नमाज इश्क पढ़ना चाहना। भजन मैं आख्या असा तो अली बादशाह उसनों मने है जेड़ा जनाबे मुस्तफा की जुत्ती चुमना सवाब समझे। जुत्ती चाहण वाले होर हन, चुमण वाले होर हन, चाहना नहीं चुमना सवाब समझे। मैं क्या ये तो मुस्तफा की मर्जी है, जो उसने अली ने अपनी मोहर से सवार करके कायनात ने दसिया जेड़ा बुलंदियों की आखिरी मंजिल से होवे उसने अली इब्ने अबी तालिब। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। असा तो खुदा ने भी मनिया तो जनाबे मुस्तफा की वजह तो मने भाई जान, असा तो मैशर से भी यकीन रखे तो जनाबे मुस्तफा की वजह तो रखे। साढ़े बच्चों खुदा वेखिया किसी नहीं, क्योंकि जनाबे मुस्तफा ने खुदा विखाया नहीं मनवाया है।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹੂਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਲੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀਨ ਤੱਕ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਕੀ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਜਮਾ ਵੀ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਜਨਾਬੇ ਅਕੀਲ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਣ ਲਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤ, ਜਨਾਬੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਮਾਬ ਨੇ ਬਿਰਾਨ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਤਵੀਲ ਕੱਦੋ ਕਾਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਲੰਬੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਾ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਖੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਦੋ ਕਾਮਤ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਤਰੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਆਈ ਜਨਾਬੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਬਿਰਾਨ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਲਹਾਇਆ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਆਈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਨਣ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਉੱਠਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੌਤਾ, ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਸ਼ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮਤਾਂ ਬੁੱਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੁੱਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਜਦੇ, ਅੱਜ ਬੰਨਣ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਆਈ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਕੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਅਤੇ ਕੁਫਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਬੁੱਤ ਚਾਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਟੇਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਨੀ ਰਾਈਟਰ ਆਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਪ ਕਪਾ, ਲਰਜ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ। ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ। ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਦੁਹਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਲਹਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਕਾਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਾਮ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਅਲੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੇਂਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ? ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਚਾਹਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਬੁੱਤ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਅਲੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਮਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਇਰ ਸਾਹਾਬੀ, ਅਲੀ ਵੀ ਅਸਾਹਾਬੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਵਾਲੇ, ਅਲੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੈਦਾ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਕਾਬਲ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਹਾਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਗੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਵਾਲਾ, ਅਲੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਹਾਬੀ, ਅਲੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ
ਵਾਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਔਰ ਅਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਕਹੇ ਦੱਸਾਂ ਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਗਦੀਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रगुजार जी मालिक जिंदगी दराज फरमावे बड़ा खूबसूरत माहौल मालिक के अजाई रंग तोड़ियां नस्ल शामिल फरमावे जिथे अली इब्ने अबी तालिब आए उदे मुंह न करिए ते नमाज नहीं मालिक ने जदा कुरान अदा तफसीर नूर ज़कलैन 6वीं जिल्द भाई जान कुरान अदा मालिक ने जदा इस पानी ते जमीन रखी ना ये तुराब दा फर्श विच आया ते जमीन हल्दी पई ये रुक ना पाए हजरत जिबरील गए मालिक दी बारगाह मालिक अल्लाह जिहड़ी जमीन की खिलकत कराई उहदे ज़लज़ले उदे तामीरात मुमकिन नहीं परदे गैब चो आवाज़ ही परेशान ना हो जाओ सीने ते इसमें आजम नकल कर इसमें आजम केड़ा जिदे नाल आसमान खड़ा है जिदे नाल हवावां चलाईया नहीं जिदे नाल पानी की खिलकत कीती है जिदे नाल दरिया बनाए नहीं जिदे नाल समंदर बनाए नहीं हज़रत जिबरील जमीन ते आए अपनी सुनहरी पलका नाल हज़रत जिबरील ने जमीन के सीने ते सफाई की मलकूती कलम नाल तारीख दी है नामे अली नक्श फरमाया नाम अली लिखिया चाचा जी किताब आ रही है जमीन रुक गई मुस्तहकम हो गई हजरत जिबरील बारगाह तो ही दिश गए मालिक अल्लाह मेरा सलाम अलैका सलाम जिबरील जमीन रुक गई जी रुक गई बाद मालिक आके तू वत परेशान है मालिक अल्लाह जमीन तो रुक गई परेशानी वत गई मालिक आके केड़ी परेशानी बादशाह जी तुसा नाम अली लिखवाया है हुणे तुसा करनी है आदम की खिलकत आदम की नस्ल च हुणे हजारा आदमी कोई भाईजान बुद्ध मजहब कोई ईसाई कोई क्रिश्चियन कोई सुन्नी कोई शिया कोई वहाबी कोई मिर्जई कोई देवबंदी मालिक अल्लाह अगर किसी निजसल ऐन दा कदम नामे अली थे आ गया इसमें आजम दी तौहीन ना हो सी परदे गैब चो आवाज़ आई जिबरील परेशान ना हो तू मखलूक है मैं खालिक हां जो मैं जानदा तू नहीं जानदा मालिक अल्लाह वत नामे अली दी हिफाजत किवें हो सी मालिक ने इरशाद फरमाया घबरा नहीं जिथे ते इसमें आजम नामे अली दर्ज फरमाया ना इत्था मैं काबा बनवा के हर मुनाफिक तो सजदा ना करावा अल्लाह के वा बड़ी मेहरबानी जी हैदरी मालिक जिंदगी दराज फरमावे मालिक तुन सलामत रखे चाचे नारा फरमाया तो मैंने गल याद आ गई मस्जिद नबवी आई तो नबियां दा सुल्तान मिंबर ते तशरीफ फरमाहन फजाइल मैं जे पढ़ना जे मैं मुकदमे दियां गल्लां पिया करदा इतना पढ़ना जितना तुसा सुनिया ए हज़रत जनाबे रिसालत इमाम मस्जिद नबवी दे मिंबर ते तशरीफ फरमा सरकार दा खुतबा जारी सरकार आके दो बंदे जन्नत नहीं जा सकते तुहाडे नारे ने वेख के दो बंदे जन्नत नहीं जा सकते चाचा जी किताब वाला तो पांच छे बंदे यो जो उस मजमे चाह जिन्होंने यकीन आई असी जन्नत को नहीं जाना उन्होंने सिर झुकाया उन्होंने क्या लगता है लाद बंदियां दे सामने बिरादरी दे सामने साड़ी हो गई जनाब रिसालत दे मां बाप पासे वेख के दिन तुहाडी गल नहीं दो बंदे नहीं जा सकते कौन कौन सरकार अगे एक बुढ़ा जन्नत नहीं जा सकता एक काला जन्नत नहीं जा सकता जनाब सुलेमान मुहम्मदी ने बिलाले हबशी का हाथ पकड़िया नाल टुर चलीए रोंद सहाबी मस्जिद नबी चो निकले ए गली दे चौक च बैठे रोंद सरकार हसन है मुजतबा अली बादशाह दो बेटा जो जमीन से खलो के लोह का मुतालिया करेंदा है सरकार गली की जीनत बनते आते टुरदे आते सरकार ने दिखा दो सहाबी गली दे चौक च बैठे रोंद जनाबे सुलेमान का हाथ पकड़ा नाना जान खैरीयत नवासा मुस्तफा खिदमत का सिला मिल गया नाना केड़ी खिदमत केड़ा सिला जी थोड़े दरवाजे की झाड़ू बरदानी की है ना काफ़ी अरसा उस खिदमत का सिला मस्जिद नबवी तेरे नाने ने अता फरमाया नाना जान खैरियत गल तो दसो आ दिन अल्लाह के हुक्म तो बगैर ना हलन वाली जबान जनाब सुलेमान हसन है मुजतबान कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म तो बगैर ना हलन वाली जबान तेरे नाने की जबान मस्जिद नबवी के मिंबर से बह के अज इरशाद फरमाया जो ना बुढ़ा जन्नत जा सकता है ना कला जा सकता है मैं भी खोंडी ते हाँ आसा ते हाँ बिलाल अगे हबशी है साड़ी तो बद गल मुक गई जनाबे हसन है मुजतबा ने दुआ साहबिया का हाथ पकड़े मस्जिद नबवी दे अंदर आए मिंबर ते आए नाने दी झोली च बैठे इंजिया दा नाना चाचा जी इमामत ने नबुवत दी रीच एकदस दा बोसा लिया अखा चुमिया नाना जाने जेड़ा तुसा फरमान इरशाद फरमाया इदी थोड़ी वजाहत करो सरकार के हसन तू तो जानदा है नाना मैं तो जानदा मस्जिद च बैठे लोग जो नहीं जानते बादशाह फरमाया गल केड़ी आदन तुसा फरमाया ना बुढ़ा और काला जन्नत च नहीं जा सकते बिलाल भी परेशान है नाना सुलेमान भी परेशान है जनाबे सूले पाक ने हसन मुजतबा ने छोली चाया हां ना लाया पेशानी चुमी रुखसार चुम के आदन जमाना याद रखा है जिदे दिल च मोहब्बत है अली है ना वो बुढ़ा है ना वो काला है मालिक जिंदगी दराज फरमावे मालिक तुहानू सलामत रखे किसी कमीने का मोहताज रख कर बहुत शुक्र गुजार जी मालिक जिंदगी दराज फरमावे जिदे दिल च मोहब्बत है अली इब्ने अबी तालिब ना वो बुढ़ा है ना वो काला है
और जेड़ा नारा सी याद है ना, नारा मारन नाल खत्म है कुरान दा सवाब मिलदा है। ये तकिया कलाम नहीं भाई, मिंबर दा कोई तकिया कलाम है। किताब लिखण वाले सुन्नी राइटर भाई जान, राइटर है साढ़े मलकवाल दा, एस मलकवाल दा। इस तो अगे कम अज कम 2.5 दर्जन किताबों लिख चुका है सुन्नी राइटर, फजीलत अहले बैत हूँ उन्होंने एज 92 साल अजय जींदन, जिस बंद ने मिलन की ख्वाहिश हुई मैं मिलवा सकता। उन्होंने किताब में एक लफ्ज़ तुहाडे हवाले करना चाहना, वह फरमाते हैं बंदा हाई फारिस दा ईरान दा वसदा, तवील सफ़र करके पहुँचया यसरिब, गली दे आया पहले मोड़ च उस डिठ है, यह जरा खत्म है कुरान का सवाब है। यह कितों शुरू होया कि नाम अली चावन नाल खत्म है कुरान का सवाब मिलता है। सुन्नी राइटर आता है गली दे पहले मोड़ च है ना जी, पहले मोड़ च तो उस डिठा भाई जाना माइक का आवाज़ थोड़ा जहा खुलया, मालिक रिज़्क की इज़ाफ़ा फरमावे। उस डिठा सामने एक बुजुर्ग इन चिट्टी दाढ़ी सोहनी जुल्फा पेशानी वाला नूर अर्श नाल टकरा रहा, एक जवान सजे पासे एक खब्बे पासे दो कंड पिछे, वो घोड़े तो लत्था कदम ते हथ लाए, सरदार मेरा सलाम, सरकार आखे मेरा भी सलाम, बादशाह मैं फारिस दा वसदा हाँ, सरकार आखे जानदा आले फरजंदा दे कबीले दा तू सरदार है, उसे के बादशाह तुसी मेरे तो वाकिफ हो, सरकार आखे मैं तेरी नस्ल तो वाकिफ हाँ, बहुत शुक्रिया तुहाडा तारुफ, सरकार आखे मेरा नाम तो है इमरान, आख दे अबू तालिबिन, सज्जे पासे कौन है, सरकार आखे बेटा नाम जाफर तैयार, खब्बे पासे कौन है बेटा नाम अकील, कंड पिछे कौन है बेटा नाम तालब, उन्होंने कंड पिछे जो बच्चा है सरकार जोश ना ला दे नाम अली है, उसने हाथ जोड़े, हो सके बादशाह जाफर तैयार दा नाम चाहे। सुन्नी राइटर दा अजे कुरान मुकम्मल नहीं होया, कुरान किताबी शक्ल च नहीं आया, कुरान पूरा कलबे मुस्तफा ते नाजल नहीं होया, अजे कुरान दा नजूल जारी है। जनाब अबू तालिब आदे इस बंदा आदे जेड़ा सज्जे पासे भी बेटा नाम जाफर तैयार, इहदा भी नाम झिके लहजे नाल, अकील दा नाम भी झिके लहजे नाल, तालिब दा नाम भी झिके लहजे नाल, अली इब्ने अबी तालिब दा नाम जोश नाल चाया हिवे। जनाब अबू तालिब आदे ने याद रखी जाफर तैयार अकील और तालब दा नाम चावन नाल मिल दिए, एक ने की अली मेरा वो बेटा है जिसका नाम चावन नाल खत्म है कुरान दा सवाब मिलता। या अली अलैहिस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, मालिक जिंदगी दराज फरमावे, अली मेरा वो बेटा है जिन्हों का नाम चावन। और वैसे भी मैं दराना शिया जड़े हैं ना शिया, इन्होंने नाम जोश नाल चाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के 73 फिरके 53 हो गए तो 20 रह गए, 53 फिरके थोड़े हो गए कलमा पढ़ने वाले दे, भी रह गए ने भी साल खंड के अंदर गए जिहड़े हालात बन गए नेड़े कम। ये 73 फिरकिया चो 72 फिरकिया ने नामे अली अलाट ही साढ़े ना किते, ये सालम तो बंदा पवे ना बस च, तो यह जो रोड बनता पे सरगोदे वाला जंप शंप भी है, चलो मैं मंडी वाल ना आता है तो चलो सोहना रोड है, इस पास जंप कोई नहीं, खैर इस पास जंप शंप अजकल है ना बड़े है, बिलखसूस बुलवाल तो सरगोदा तक मालिक करे भी जल्द कंप्लीट हो, आसानी पैदा हो मखलूक वास्ते, काफ़ी सारे जब बंदा हो ना बस तो जंप लगे तो नाल वाली सीट पर बैठे बंदे का मजहब का पता कौन नहीं होंगे, तो जल्द जंप लगता है ना तो वह आता या अली मदद, उस वे पूरी बस में पूछना नहीं पाता कौन है, मालिक जिंदगी तरह सुना इस तो मैं ना अलाट है नामे अली साढ़े नाल, तो सन पूरे जोश और जज्बे नाल चाहना चाहिए। और फिर खत्म है कुरान का सवाब भी है, ये खत्म है कुरान सन इस दौर सन करना पवे ना, ये बुजुर्गों ने तो 2-3-4 सिपारे मंजिल सवेरे नमाज तो बाद कर लेंगे ना जी, असा कुरान का खत्म करना हो तो कम अज़ कम 1.5-2 महीने चाचा जी लग वेंदे, यकीन करा चलो जो नौजवान तशरीफ फरमाओ तईद करे आए तो जोड़ा तईद नहीं कर सकता तजर्बा कर ले, कल तो कुरान शुरू कर ले, असं जो एक रकू पढ़ रहे हैं तो अगो कम मुक वेंदा जी, पिछे फिक्र होंगी अल्लाह जाने व्हाट्सएप पर कौन है, अल्लाह जाने फेसबुक पर कौन है, अल्लाह करे मालिक सन इन्ह बुजुर्गों की सीरत से चलन की तौफीक अता फरमावे। मैं हर मजले से ज्यादा रहना शिया कौम अगर सिर्फ अपने बुजुर्गों की सीरत से चलती रही तो साढ़े अज ये हालात न हो गए। दरूद पढ़ो एक मासूम की जात, काबे के अंदर जनाबे मुस्तफा ने जिस वक्त फजीलत अली इब्ने अबी तालिब बयान फरमाई, जनाबे अली बादशाह ने काबे के अंदर सजदे सर रखे, उस जात सजदा किया जिस जात अली ने अपनी जिंदगी जहरी जिंदगी का पहला सजदा किया, काबे के अंदर ही पहला सजदा ही मेरे सरदार, सरकार ने सजदे सर रखे, मालिक अल्लाह तेरा लख हमद है मुस्तफा जैसा लीडर और रहबर अता फरमाई, मालिक अल्लाह तेरा लख हमद है मुस्तफा जैसा नबी अता फरमाई, और ऐसा सच्चा नबी जी जबान अल्लाह के हुक्म तो बगैर नहीं हल्दी, और तेरी मेहरबानी तो मैंने मुस्तफा दे अदने जै गुलामा चो गुलाम बनाया,
जनाबे मिकदाद ने गल सुनी ने, जनाबे मिकदाद ने तो करीब आए हाथ जोड़े उन्हें क्या बादशाह जेडे अदने जे गुलाम वाला लफ्ज आख्या ही वे तुहाडे तो वड्डा तो फजीलत इच कायनात इच कोई नहीं, तुहाडे तो बुलंद मरतबे आलाम जनाबे मुस्तफा दे गुलामा विच है कौन। सरकार आख्या अली उस लिस्ट च जिस लिस्ट च अबू तालिब भी खड़ा है, मोहम्मद मुस्तफा दा बाबा भी खड़ा है। बहुत शुक्र गुजार मालिक जी ने की दरास फरमावे। सरकार ने सजदे सर रखिया और एक सजदा अली बादशाह ने होर भी किया। एक जंग गई उहदे अंदर सरकार की तलवार चलती आ रही, एक हाथ च घोड़े की वाघ एक हाथ च तलवार, तलवार भी वो जिहड़ी मुस्तफा ने अरशद मंगवा दी है, तलवार चलती आ रही। जनाबे अली दे घोड़े के पिछे एक सहाबी है मुस्तफा का घोड़ा, उन्होंने घोड़े के पिछे कायनात के चाचा जी पहले नुसैरी का घोड़ा, पूरी जिम्मेवारी नाल पहले नुसैरी का घोड़ा। ए इसने घोड़ा दौड़ाया तो सरकार मुस्तफा दे साहबी के मोढ़े ते हथ रखे। उस कहते जो तुम मुस्तफा दे साहबी हो लोगन एक गल क्यों नहीं हो दसते, जो हकीकत इच खुदा ए अली ही है, हकीकत इच खुदा ए अली ही है। जनाब मुस्तफा दे साहबी ने कहा बकवास बंद कर, कुफर कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, अली खुदा नहीं, अली खुदा सजदा करने वाली हस्ती है। ऐ सजदा जेन च रवे, अली खुदा ने सजदा करने वाली हस्ती है। जब इसे गल की थी ना तो यह नुसैरी अदा जेड़ा कम मैदान च अली कर रहे है, ये कम बशर का तो कम ही नहीं, इंसान का तो कम ही नहीं, ये कम तो खुदा का कम है। असहाबी मुस्तफा दे अली क्या कर रहा, हो सके चार बंदे खड़े हैं, तलवार गुजरी है इतों जमा दी गर्दन कोलो, दो दे सर कलम होए ते दो दे सर कलम नहीं होए, ये कम खुदा का नहीं तो होर किसका है। असहाबी मुस्तफा मुस्करा कहते ने बहुत बड़ा राज है जिसने तू समझ नहीं सकता, हो सके मेरे तो इस राज नो अया कर वाजिया कर। असहाबी मुस्तफा दे याद रखी जेडे दो बंदे अली ने कतल किए, अली जानते हैं जो कयामत तक भी इन्हों की नस्ल च मुस्तफा का उम्मत ही कोई नहीं। जेड़े बंदे दो अली ने छोड़ दिते हैं, अली जानते हैं जो कि ना कि इन्ह की नस्ल च कलमा या हक पढ़ने वाला मौजूद है। या अली अलैहिस्सलाम, अली बादशाह जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी मालिक जी ने की दरास फरमावे कि जेड़े बंदे अली बादशाह ने छोड़ दिते हैं, इन्हों की नस्ल च कि ना कि कलमा या हक पढ़ने वाला मौजूद है। भजन जनाबे रिसालत इमाम दे सहाबी ने जब मुड़ के दिखा, अली बादशाह ने बरक रफ्तार घोड़े तो छलांग मारी, सरकार जमीन की जीनत बने, सजदे सर रखे। असहाबी मुस्तफा ने घोड़ा दराया, सरदार दे घोड़े नाल आके घोड़ा खलवाया, घोड़े तो लत्था अपना अमामा बादशाह दे कदमा ते रखिया। किताब वाला दे अली बादशाह दे पैरां दीयां तलियां चुमियां, पैरां ते मुँह रख के आदा सरदार, एडी जुड़ी जंग, जंग तो तुहाडे हमले फतह कर ली आई ते नमाज दा वक्त भी कोई नहीं, ये सजदा करन दी केड़ी जरूरत आई। मेरे सरदार ने सजदे चो सर चाया, साहबी मुस्तफा ने हां ना लाया, पेशानी चुम कह देन अली के पास अब तौहीद बचाने का वाहिद रस्ता एक सजदा रह गया था। डेनमार्क का एक राइटर है भजन, डेनमार्क का, उसने इंग्लिश की किताब लिखी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का प्रोफेसर है, 12 जिल्दा की किताब है, करबला इज नॉट अ बैटल। जेडे पढ़े लिखे भाई तशरीफ फरमाओ, करबला इज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, करबला जंग नहीं, करबला कायनात की हकीकत का नाम है। किताब का टाइटल है, 12 जिल्दा की किताब है, 6वीं जिल्द, इस साल 2022 का उर्दू तर्जमा हो पाकिस्तान जो मिल जाती, बड़ी मारूफ किताब है। यदि 6वीं जिल्द एक लफ्ज़ तुहाडे हवाले करा भाईजान, अंग्रेज राइटर आदा एहो पहला नुसैरी, कायनात का पहला नुसैरी हाई करबला के जंगल च मौजूद। बाद फजीलत रंग वसूल कर सो, टिब्बे ते खड़े टिब्बे ते इसने डिठे, एक बुढ़ा प्यो एक जवान पुत्र ने झोली च पाई बैठे और मुतमैन बैठे, चेहरे ते इतमान, अखा च इतमान की रोशनी, शुक्र अदा फरमा रहा, आसमान अल वेख कहदा तेरी मेहरबानी, अपनी तौहीद वास्ते, नाने की नबूवत वास्ते मैंने बेटा देने की तू तौफीक अदा फरमाई। इसने एक शामी मोर्रख का दामन पकड़ा, उस कहना यजीदियाँ की जंग किदे नाल है, आदे आओ किसी यजीदी को पुछते, यजीदी सिपाही को तुहाडी जंग किदे नाल, उस कहना उस बिला हकम वक्त दबा गई, उस कहा असा नहीं मनते, क्यों नहीं मनते, उस कहा जिहड़ा कम मैदान च वह करता पे, ये कम बशर का कम नहीं, ये कम खुदा का कम है। उस कहा कम, उस कहा जवान पुत्र जख्मी झोली च पा के मुतमैन बैठे। ये गल आई हुसैन बादशाह के कन्ना से, अंग्रेज राइटर भाई जाना सरकार ने पुत्र नो जमीन से समाया। बाद फजीलत रंग वसूल कर सो, आखिरी जुमला फजीलत का, इस सरकार ने इशारा किया दिन मेरे करीब आ, ये टुरदा या करीब आया, सरकार ने दामन पकड़ के दिन तू ओ ही है जिस ये इल्जाम मेरे बाबे अली इब्ने अबी तालिब ते फलां जंग ही चलाया है। हाथ जोड़े बादशाह तुम इस गल तो वाकिफ हो, सरकार कह वाकिफ आता है, ही तो मैं तुम खुदा आखिया। बादशाह क्या, असा खुदा नहीं, असा खुदा सजदा करने वाले लोग हाँ, असा खुदा नहीं, असा इख्तियारा खुदा अपने को रखने वाले लोग हाँ। सरकार ने पुत्र ने समाया, सजदे सर रखिया, सजदे चो सर चा क्या दिन, असा सजदा करने वाले लोग हाँ। हाथ जोड़ के दे सरकार, जेड़ा सजदा नहीं करता, सरकार क्या उसनों जेब देंदा जो खुदा सदवावे।
जिहड़ा सजदा नहीं करदा उसनू जेब देंदा जो खुदा सड़वावे। असां सजदा करन वाले असां खुदा दी मखलूक आए, असां खुदा दे सामने सजदे च पेशानी रखण वाले लोग हैं। इसने हाथ जोड़े इस अगर बादशाह वत मैंने अपना कलमा पढ़ा, सरकार ने नाने मुस्तफा का कलमा पढ़ाया, तौहीद दा इकरार किया, मुस्तफा की विलायत और नबूवत का इकरार किया, अली इब्ने अबी तालिब ने मनसब इमामत और विलायत का इकरार किया। हाथ जोड़ के कहता बादशाह जिहड़ा बंदा सजदा नहीं करता सरकार आख्या वह अपने अपना खुदा सजवावे। आदा बादशाह वत सूरज सजदा को नहीं करता, किताब का हवाला चाचा जी मैं पहले दे चुका सरकार फरमाया सूरज भी सजदा करता है। आधा बादशाह चंद सजदा को नहीं करता सरकार के चांद भी सजदा रेज होता है। आधा बादशाह सितारे सजदा को नहीं करते सरकार के सितारे भी सजदा रेज होते हैं। आधा बादशाह आसमान सजदा को नहीं करते सरकार के आसमान भी सजदा रेज होते हैं। आधा बादशाह पानी सजदा को नहीं करता सरकार के दरिया और समंदर भी सजदा रेज होते हैं। बादशाह दरख्त और शजर सजदे नहीं करते सरकार के अशजार भी सजदा रेज होते हैं। बादशाह पत्थर और पहाड़ सजदा नहीं करते सरकार के पत्थर और पहाड़ भी सजदा करते हैं। हाथ जोड़ के बादशाह जिले कायनात दी हर शय सजदा कर दिए, वत खुदा कौन है? हुसैन बादशाह मुतमईन होके इदा दामन पकड़ के आदन याद रखी, खुदा वो होता है जिसे अली और मोहम्मद सजदा करते हैं। खुदा वो होता है जिसे अली और मोहम्मद सजदा करते। कोशिश करदा रहना मेरी मजलिस च इक्कत दा पैगाम जरूर होवे, क्योंकि दरसगाह आले मोहम्मद है मजलिस हुसैन, नस्लों की तामीर का नाम है मजलिस हुसैन। सारे मोहतरम फरमेंदे रहते हैं जिते गुमराह और भटके आवे मुकम्मल इंसानियत झोली च पा के जाए उस जान मजलिस हुसैन आ दे। आदा बादशाह जो सजदा नहीं करता सरकार आखे वो मुनाफिक है। आदा बादशाह क्यों तौहीद का मुनकर है सरकार आखे तौहीद का मुनकर तो काफर है। अरे बादशाह मुनाफिक किवें सरकार आखे जो सजदा नहीं करता हकीकत चो तौहीद का मुनकर नहीं, मेरे नाने की नबूवत का मुनकर है, मेरे बाबे की विलायत का मुनकर है। इसने इंज करके हाथ जोड़े बादशाह सजदा इतना जरूरी। अंग्रेज राइटर आदा हुसैन बादशाह रोंदे हो करबला की मट्टी के बच्चे इंज अकबर ने मट्टी से समाया, पुत्र दी ना जख्मी सीने वाली बर्छी च हाथ पाया तो इशारा करके दिन तू जानता नहीं ना इस सजदे वास्ते ही तो मैं इदियाँ फूफियाँ ने जंगलों से ले आया। मालिक हाय कबूल फरमावे, मालिक तो उन्हें किसी कमीने का मोहताज न करे, मालिक भाई की मेहनत कबूल फरमावे और सेहत अता फरमावे। अजादराने मजलूम में करबला बाप ने सजदा किया तौहीद बचावन वास्ते, पुत्र ने सजदा किया नबूवत और विलायत बचावन वास्ते, ते बहन ने सजदा किया फिरा बचावण वास्ते। अजादराने मजलूम में करबला बुजुर्ग जाकर ना एक जुमला पढ़ते हैं कि अली बादशाह दी धी दी किस्मत अजीब आई, हक महर च ना मेरी मखदूमा ने एक जागीर मिली जिदा नाम राविया जिन्हों अज जैनबी असर देंदे। जनाबे जाफर तैयार है ना अहले बैत नबूवत के घर ते सरकार ने दिठा, अली बादशाह भी तशरीफ फरमा, जनाबे रिसालत माँ भी तशरीफ फरमा, हिजाबे किबरिया भी तशरीफ फरमा, ते जनाबे मखदूमा सैन फातिमा तो जहरा सलवातुल्लाह अलैहा दी कंड पिछे अली बादशाह दी मरियम मिजाजी दी तशरीफ फरमा, ते जनाबे जाफर तैयार टुरदे अली बादशाह को आदन मैं वेंदा पिया तजारत दे सिलसिले शाम, ते शाम दी किसे शय दी जरूरत होवे ना तो मैं हाजिर हाँ। अली दी अखां वसियां ना दिन जिहड़ी मेरी कंड पिछे बैठी है ना उहदे कोल पुछो। जनाबे जाफर तैयार टुरदे होए जनाबे सैयदा बिनते रसूल अल्लाह को लाए आदन मखदूमा शाम पिया वै ना, शाम दियाँ चादरां बड़ियां मशहूर हैं, शाम दे जेवरात बड़े मशहूर हैं, आखो तो मैं कुछ लै वहाँ बीबी रो के आदन मैंने नहीं जरूरत जिस शाम वंजना है उहदे कोल पुछो। मरहबा 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 अलहमदुलिल्लाह मालिक सहायदा अज रथा फरमावे। जाफर तैयार चाचा जी बुजुर्ग पढ़ते हैं टुरदे उठते बांधे उठाए जिथे अली बादशाह दी पाक शहजादी इसमत तो तहारत दी मलका अहले बैत नबूवत दी वेड़े च मट्टी ते तशरीफ फरमान धी दे सर ते ना हाथ रखिया देने बेटा मैं वेंदा पिया शाम, शाम दी किसे शय दी जरूरत होवे निके निके हाथ जोड़ के दिए होर कुछ नहीं चाहिदा, चाचा इतना करें शाम दे बहरों मेरी कबर दी कोई जा मेरे ना करवावे। मरहबा 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 आदन हो सकता है मैंने भिरामा दे शहर च कबर दी जा न मिले, हो सकता है मैंने माँ दे शहर च कबर दी जा न मिले। भजन जनाबे जाफर तैयार शाम पहुँचे
रावीया बाग दे अंदर बैठे अपने नौकर नो बाजार भेजे आदन इस बाग दा पता कर रहे दा मालिक कौन है। वो मालिक को लाया उस कह मेरा सरदार तेरे बाग च बैठे वो आदे एक वारी मेरे खेमे आ। बाग दा मालिक टुरदा होया जाफर तैयार दे खेमे आया। सरकार कह मैं तेरा बाग खरीदना चाहना। उस अगर मैंने वेचण की जरूरत तो कोनी लेकिन तू रही से अरबे नबी दे घर दफर दे हुक्म कर आदन कीमत मांग आदा 60,000 दिनार। जौफर तैयार आदन मैं 80,000 दिनार दे सा। अखा वसिया ना उस अगर बहुत बड़ा ताजर है मैं थोड़ी फजीलत बड़ी सुनी है तजारत कानून है मंगी हुई कीमत तो लोग थोड़ी दे देन तुसा ज्यादा क्यों दें दे हो कंड करके आदन एक मजबूरी है आदा केड़ी मजबूरी जरा अली वली पढ़ ना लें इस लफ्ज से तेरी आय निकलनी है मातमी जवान दो जदा मेरा पुत्र मां प्यो नसीब होवे तरबियत दा सरे इस उम्र तेरे आंसू निकलदे पैन मालिक जिंदगी दराज करे भजन आदन इस बाग दा सौदा बाजार च नहीं होना। बाग मेरी मखदूमा नाम नाम मुंतकिल होया भजन इस जागीर चली दी थी दो दफाई जदा पहली दफा आई ना किस्मत वेखो सजे पासे वेख्या तो नेजे ते अकबर दा सर नज़र आवे तुहाडी हाय तो दहरैन कुरबान करा खब्बे पासे वेख्या तो उन्होंने सर नज़र आवे ना जिन्हां दे लाहण तो बाद बीबी की नस्ल मुक गई तेरी हाय तो दहरैन कुरबान करा। मैं कदी नहीं आख्या जेड़ा अलमाले दा नौकर है जेड़ा उस दरवाजे तो अंदर टोरांदे तुसा सारे अलमाले दे नौकर हो लेकिन जिन्हां दे घरां ते अलमे अब्बास नसबे तेरे हिस्से दा लफ्ज़ है वखरी हाय सुनना चाहना तेरी भाई जान जदा महमल तो तले वेदी आई ना घोड़े की गर्दन नाल एक कट्टा होया सर आई उस सर ते नज़र पाउंदी आ साधी आई अखां खोल मैं वेख भैन रुल गई मरहबा 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 अलहम्दुलिल्लाह मालिक तुहाडी हाय कबूल फरमावे। अज़ादराने मजलूम में करबला किस्मत अजीब पहली दफा आई ते भिरावां ते पुत्रां दे सर नाल भिरावां ते पुत्रां दे कातल नाल शराब पीवण वाले लोग नाल नचण वाले चाचा जी लोग नाल। दूजी दफा जदा मखदूमा आए ना तो नाने की कबर ते नाने की कबर ते हथ रख्या नाना दसण आई हूँ मैं वलना कोई नहीं नाना धी छेकड़ी सलाम जल्दी करदा पिया वैन करदा पिया नाना धी छेकड़ी सलाम करन आई है वत मेरी सहन आई है मखदूमा माँ की कबर ते चलो लफ्जा दा अगर तुहाडी हाय निकले उस माँ की कबर ते आई है मैंने सैयद हुण माफ करिया है उस माँ की कबर ते आई जिहड़ी माँ जदन की दरबार च वली आई ना धियां ते पुत्रां दे सामने चेहरे तो नकाब ना लै हाय तेरी हाय तो दारैन कुरबान करा कबर ते हथ रख्या दी अम्मा दी दसण आई वेंदी पई आ शाम ते हुण मैं वलणा कोई नहीं वत मेरी सैण आई हसन भिरा दी कबर ते झण पैन आदन हसन भैन दा आखरी सलाम हसन दा सलाम करके मेरी सैण तवील सफर करके करबला अब्बास दी कबर ते आए कबर ते ना मखदूमा ने इंज अपने हथों तो ना इंज चादर हटाइए हाथ रखे ने अब्बास दी कबर ते आदन गाजी तैन एक वेला याद देवा बनाई कबर हली है अब्बास दी आदन अब्बास तेरा बचपन आई ना तू मेरी झोली चा के बांधा आदन अब्बास मैं तेन आदिया इस ना इन्ना हाथों के बोसे ले कर तेरिया अखा वस दियान तू हाथ जोड़ के आदन किवें चुमा तू बतूल दी धी है मैं थोड़ी कनीज द पुत्र हाँ आदन गाजी की कबर ते हाथ रखा ने आदन कबर चुबायरा मैं वेख जिन्ना हाथों ने तू ना वेदा मैं उन्हें हाथों च रस्सियां पाइया मरहबा 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 अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा दराने मजलूमे करबला अब्बास दा सलाम करके मेरी सैण पुत्रां दा सलाम कीता मजलूम भिरा दी कबर दा विदा हुसैन शाम पिवैनी कदा ना वन्या हई मेरी मजबूरी है आलिया केड़ी मजबूरी आदन हुसैन तुहाडे सीने दा तावीज शाम रह गई है तेरी तस्कीन शाम रह गई है तेरी सकीना शाम रह गई है तेरा सुकून शाम रह गई है मत मेरी धी इंज ना आखे फुफी मेरे नाल वफा ना कीती हुसैन मेरा आखिरी सलाम होवे लव समझे पुत्रां भिरावां दा सलाम करके आलिया आए ना मुश्किल कुशा बाबे दी कबर ते नजफ अशरफ कबर ते हथ रखे ना आदे ना नबियां दा मुश्किल कुशा बाबा और वलियां दा मुश्किल कुशा बाबा और कायनात दा मुश्किल कुशा बाबा अज धी बन के नहीं अज सवाली बन आई अज दी अजे तक इबादत नहीं हुई लव समझी कबर हली है कबर चो वैण आए केड़ा सवाल करना चाहनी है हाथ जोड़ के देने बाबा यो कुजा दियां मेरा एक बच गया है ते ओ बीमार है बाबा नबिया दी मुश्किल कुशाई की थी मिन्नत लामी मेरे सजाद ना मेरा जनाजा जमा बना में मरहबा 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ादराने मजलूम में करबला बाबे दी कबर दा सलाम करके
मेरी सैन शाम पहुँचे सरकार सजाद दे हत्थां च महमलां दी मुहार। महमल चुवैन आया आबिद महमल रोक बीमार ने महमल रोके भजन अज 8 रबीउल अव्वल सरकार हसन अस्करी की शहादत का दिन है जिस इमाम की असर रैयत परदे च रत बैठे रोंदा है जो उन्होंने यतीमी का दिन है अज का दिन दा मुहर्रम तू घट नहीं डी कर वेले सैयदा ये झोली चा के दुआ पे मंगदा मेरा अल्लाह साह कहला कह भेण दे भिरान गर्म हवा न लगे चाचा जी तकदीर द पर लगे ना भिरा दुनिया तो टुर वंजे वत भैणन भिराव दियाँ निशानियाँ बड़िया प्यारियाँ होंदिया महमल तड़पी आदि है जरा महमल रोक ना मैं उस दरखत का सलाम करना है जिदे नाल हुसैन दी सांग खड़ाइया ने मरहबा 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 अलहमदुल्ला वहन करदा पिया अम्मा फिजा पता करो दरख्त मौजूद है किताब का नाम जैनब जैनब है लिखन आले हसन गर्दे जी उन्हें लिखा है जनाब फिजा टुर पे मलका है जंजबार मुतकलमा बिल कुरान बीबी मोसना सादात बीबी जनाब फिजा दिन जब मैं बाग दे अंदर आई हाँ ना मैं दिखे कुछ सफेद रंग दे परिंदे दरख्त नाल अपने पर मस करेंदे जमीन ते ढांदन ते मर वेंदे जनाब फिजा वापस आए सर तू चादर लहाई ने चिट्टे वाल खोले ने वफा वेखी मलका जंजबार दी आलिया दे ना महमल दे कदमा दे हथ रखा ने इंज परदे अल दिठा ने इबादत मेरी तवक्को तो सोनी हो गई जितना तुसी रो बैठे हो तो अड़ी मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी थोड़े जे आंसू हो रहा वैन तो यकीनन कबर मजीद रोशन हो वंजे मत तेरे नाल बैठा रत रोवण वाला इमाम तेरे वास्ते दुआ करके वतन दे वल वंजे पहला वैन ए देते हाय जरूर करे मैं भी तुहाडे वास्ते आंसुआं दी खैरात मंगदा तुसी झोली दराज करे अजादराने मजलूम में करबला इंज महमल दे कदमां ते हथ वाल खुले होए अखां सांवल दे बदल बणी होए पहला पहला वैन चाचा जी इंज छने महमल आले पास आदन दर्दा दी मारी गाजी दी बहन अकबर दी माँ शरीकतुल हुसैन उम्मुल मसाइब खाली वलन आली माँ दी रुली हुई थी आदन महमल तो लहया आदन भिरा दियां निशानियां मौजूद नहीं मातमी जवान आलिया महमल तो इंज लथे न जिवें करबला गाजी लथा मरहबा 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 सदके जावा मालिक वैन कबूल फरमावेन उबहले कदम चाए ने भाईजन बाग दे अंदर आए न दरखत नहा नल लया ने पहला वैन कर गया दे अकबर लाल मैं तन कोई बरछिया वस्त तन हबाला दूजा वैन कर गया दे हुसैन मैं सफर दे काबिल कोई ना त्रीजा वैन कर गया दे गाजी भिरा करबला छोड़ शाम मरहबा 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 सदके जावा अली दियां धियां राजियों ने एक मंजिल बुलंद करें बड़ा औखा जे वैन करना चाहना भाई जाना आलिया दे लौज खत्म ना है नोए मैं जे आधरा ला सैयदा मैं उरियाल पढ़ना सकदा दब ते तेरी आए निकले भाई जाना अकबर अब्बास ते हुसैन दा नाम एक कमीने दे कन्ना दे आए इसने चाचा जी अजरे रिसालत चाहे है आलिया न आके मुकान दिए मुकान उठा मिलिए जिथा उन्नी रमजान अलील मिलिया मरहबा 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 सदके जावा मेरा पुत्र जिंदगी दराज होवे मालिक तेरा मातम कबूल फरमावे भाई जान मुकान दा मिलना आलिया दे हाथ छुट गैना हकल मार के आ देना अम्मा सारा दे मेरी पेशानी फट गई मरहबा 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 सदके जावा अली दियां धियां राजियां ने जनाबे फिजा आए न जनाबे फिजा ने जदा सर दी हालत रिठी है अकल मार गया देना बिदलाल जल्दी आ तेरी माँ दाखरी वेले सजाज में आए न जिवे तस्सा पानी डोले भाई गुलजार जी सजाद ने ब्यादा सर चाव के झोली छपाए अकल मार गया नम्मा मैं जो देख मैं तेरे बाजारां दा संगतियां मरहबा मरहबा आदे नम्मा मैं थोड़े नाल बाजार हटाए निर्वार हटाए दरबार हटाए आदे नम्मा संगत ना मुकावे मैं तेरा गरीब पुत्र ए जंगले मैं अकला भाई जाने वो लफजा है नी अभी भी दे वैन बुलंद होए अकल मार गया दिए आबिद लाल
छो वसीयत अम्मा केड़िया वसीयत बीबी आ जरा पहली वसीयत मेरे बिरादारी करावे आदर दूजी वसीयत मिन्नत करनिया शाम नाम मरहबा 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 शाम नावन का नाम आया सजा दीरा दवदीए अकल मार गया दे नम्मा तू ले लामर प्यो दे दिए अम्मा तू सदीका तुल कुबरा मा दी दिए तुसा फरमाया दुआडा आखरी वेले अम्मा तुसा वसीयत जो करेंदे हो तुसा हुण दुनिया तो टुर वञणा अम्मा मेरी बहन दी कबर इत्थे मैं तुहाडी तुरबत इत्थां बणे सां अम्मा मैं तुहाडियां कबरां दा सलाम करण आवां बीबी आ देना मेरा लाल मजबूरी है आदे लम्मा केड़ी मजबूरी है आदे न जदा पहला आए मैं भी तेरे नाल आए तेरी बहन ही नाल आई सजाद जिथे कोई ताजिया ने चेला साथ दे चले दिया से आदे न रोआ मेरा भी आखरी वेला है आदे न तेरी बहन ही रसिया पाके सम मरहबा 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 जिंदगी दराज हो मैं राजी भाई जान शाला चौदह राजी बने एक मंजिल बुलंद कर मेरा अल्लाह मेरे फिरा दी मेहनत कबूल फरमा आलिया दी जरबत दा सदका मालिक सेहत अता फरमा मातमी जवान होयो मनजरा सैयदा चाचा जी मैं जे आदरा ला शाला परदेस च किसे दे परदादार न कुछ ना होवे मैं आलम दी कसम है शाम दा जंगला पुत्तर दी झोली आई मां दिया मुठा बल होई मरहबा 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 कारे कमन जल बुलान तेरे मातम दी सदा होवे त मैं मिंबर भाई दे हवाले करा भाई जन जदा मुठा बंद होयन सजा दे वेण बुलंद होयल अकल मार गया दे न दादी फिजा मेरी मां दा जनाजा तैयार करवा भाई जाने जे आदरा ला जवाना ने जन्नत दे सरदारा दी बहना जन्नत चोरा आयल कौसर दा पानी आया नूरी पर दे लगेल कुरान दिया आयात रो हुसल दी जरूरत नहीं होंदी लेकिन ताली में उम्मत वस्ते जदा हुसल न देर होइए फिजा मोत मातम करेंदे होए बाहर आयल आदल सजा आदे शरीयत मेरी झोली जवान होइए आदिल मैं जान दिया मैं इस्लाम न उंगली पकड़ के टुरना सिखाया आदिल वाती एक शरीयत दा मसला डसा आदे दादी पूछ मैं हाजिरा अकल मार के आदे न मैयत दी कोई जा खुश करे वजे गुसल होवे आदे दादी नाने दी शरीयत दा मसला गुसल नहीं होंदा आदिल मैं पानी पेलिए ओंदा मैयत हाल वेले आदि ये पानी लपा मैं तसे फिरा मरहबा 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 इंजे हक आई मालिक जिंदगी दराज फरमावे भाई जान गुसल मुकम्मल होया हुण जेड़े धियां ले बैठे हो जवाब देण दो हक होंदे ने भाई जान धियां दे ईद आवे चाचा जी धियां ईद मंगदियां कफन दी वारी आवे जवानियां रजमान हो चाचा जी कफन मंगदियां किस्मत वेखो शाम दी मलका दी ईद आई ते बाबा मारा गए कफन दी वारी आई पे के मुख गए मरहबा मरहबा सदके जावा अली दियां दियां राजियों ने जनाबे फिजा ने हाथ वधाए अकल मार गया दे ना बिदलाल कफन दे मैं पवावा सजाद में छतरी शारा दे डोड़ अली अबाल आइए माँ दे हथा दे रागे आदे लम्मा मेरे शाम गरीबा दी लुट खा गई अकबर दी बर्ची मुका गई चाचे गाजी दे बाजू मुका गए जनाजा तैयार होया है मैं सैयदा मेरे दिल दे दर्दे आदरा नाक बनदा ताबूते सकीना आवे आ जलना दे चो पलंग आवे आ पलंग कोई ना शाम दे जंगल दिया चार लकड़िया हाय 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 मातमी जवानो चो लकड़िया दे अली दी दी दा जनाजा सजा दे दोवे हाथ कमर दे आए फिजा दे न मेरा लाल रोंदा क्यों है आदे दादी जनाजा चावण वास्ते चार फलिया दी जरूरत आदे न मैं बीमार मेरे बाकर दा सन छोड़े फिजा दे न घबरा
अगले दोवे पावे तुसा चाओ पिछले पावे जाने लम्मा मरहबा 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 अजादारो अगले दोवे पावे जनाबे बागिरदे सजाद ने चायल चाचा जी पिछले दोवे पावे जनाबे फिजा नी खान दे आयल सजाद मो करबला दो फिर गए अकल मार गया दिल अकबर मर गई अकबर दे नाम दवाए नाम मजलूम दी कबर आलिए पुत्र दा सीना चुमा ले अकल मार गया दिल उठी छोड़ मिजार डोर शाम जुलाए ओ मेरे नाने दी तस्वीर मां मर गई मरहबा 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 सदके जावा मालिक तेरा मातम कबूल फरमावे भाई जा रही हो मन दे रही करो सवाल असल मुश्तबा बुलाया जो है ने कोई आया या कोई ना पहली नूर दी हमारी लथी आवाज आया मैं मोहम्मद आ गया वो आवाज आया हट जाओ मैं अली आ गया वो आवाज आया हसन मेरे जनाजे चो तीर खड़ दी रही हाय 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 अल्लाह दारो जरा सारे आए चौथा आवाज यो जी आया बीबी दा मैया दा हाल गए आदिल हट जाओ पहले आवन वाले अमीर है मैं करबला दा गरीबा आ जवान लो जला सारे आए बीबी आदिल सजाद ए दसा ओ क्यों ले आया सुन मौत मेरी अम्मा उम्मा लो फलीन आदा लाले आयो फखार की दसा यार रंज रह गए परदेशन भैण अल्लाह लानतुल्लाह